हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो एज़ यू नो, वी आर डिस्कसिंग विद अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, कि एक कंपनी इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, कि एक फर्म जब इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करती है, देन उस कंडीशन में एक फर्म दो स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकती है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट अडॉप्शन एंड कस्टमाइजेशन, एंड सेकंड इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। अडॉप्शन और कस्टमाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आपकी इंटरनेशनली प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने की दो स्ट्रेटजीज है, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट अडॉप्शन एंड कस्टमाइजेशन स्ट्रेटजीज। व्हेन इंटरनेशनल मार्केटिंग हैव टू मेक मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट टू मैच द प्रोडक्ट विद द हेट्रोजीनियस रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स ऑफ वेरियस फॉरेन नेशन, कि जब कंपनी अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स के, अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स एंड वांट्स के प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करती है, उस स्ट्रेटजीज को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट अडॉप्शन या कस्टमाइजेशन स्ट्रेटजी। जब आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में सामने वाले कस्टमर या कंज्यूमर की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम प्रोडक्ट अडॉप्शन या कस्टमाइजेशन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। देन इस कस्टमाइजेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कि किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर मॉडिफिकेशन करती है। देन फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर, कि आप जिस मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने जा रहे हो, वहाँ की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, या फिर वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, या फिर आपके और उस कंट्री के जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या नहीं है, या फिर आपके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कैसा है। तो अलग अलग आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर मॉडिफिकेशन करती है, देन वो किसके अंदर काउंट किया जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। देन सेकेंड इज सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, कि सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट्स को ध्यान में रखकर भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर चेंज कर सकती है। देन उस इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कि लोगों की जो लैंग्वेज है कैसी, उनका कल्चर कैसा है, उनके जो भी फूड हैबिट्स हैं कैसे है, फैशन का सेंस कैसा है, उनकी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, लाइक कैसी हैं, या फिर एजुकेशनल लेवल कैसा है, ये सभी फैक्टर्स किसके अंदर आपके काउंट किए जाएंगे, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट के अंदर काउंट किए जाएंगे। देन नेक्स्ट इज लीगल एनवायरमेंट, कि जिस कंट्री के अंदर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए सामने वाली कंट्री के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर भी आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर चेंज करते हो। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वेरियस एफर्ट्स को क्या करते हो, काउंट करते हो। आप देखते हो कि जिस कंट्री के अंदर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वहाँ पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्टेज कैसा है, अगर हाई लेवल है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, और अगर लो लेवल है तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की टेक्नोलॉजी को एज इट इज़ बनाए रख सकते हो। देन नेचुरल एनवायरमेंट, कि आप जिस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहे हो, वहाँ की जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके के एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा समर्स का मौसम है या फिर विंटर्स का मौसम है, या फिर अदर कोई भी नेचुरल एनवायरमेंट जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अफेक्ट करता है, उनको हम कंसिडर करेंगे। देन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अडॉप्शन स्ट्रेटजीज, कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके रिगार्डिंग हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर
चेंज ना करें या फिर मिनिमाइज चेंज करके ही उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सामने वाली कंट्री के अंदर सेल कर सकते हैं। देन वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं आपकी, फर्स्ट वन प्रोडक्ट वन मैसेज एंड नो अडॉप्शन। इसके अंदर जो आपके अडॉप्शन प्रोसेस है वो जीरो होती है। आप क्या करोगे, आप सेम एट इज अपना प्रोडक्ट सामने वाली कंट्री को क्या करते हो, सेल करते हो। देन सेम प्रोडक्ट बट डिफाइंड कम्युनिकेशन, डिफाइंड नहीं है ये मॉडिफाइड होगा। सो सेम प्रोडक्ट बट मॉडिफाइड कम्युनिकेशन, कि जब आप एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हो उस कंडीशन के अंदर ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल जूसेस के लिए कुछ कंट्री इनको एनर्जी ड्रिंक के लिए यूज करती है, लेकिन कुछ कंट्री में इनको स्नैक्स के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अडॉप्शन बट सेम मार्केटिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज करते हो लेकिन आपकी मार्केटिंग जो स्टाइल है वो सेम रहता है। ये आपका उन मार्केटिंग कंडीशन में किया जाएगा जब सामने वाली फॉरेन कंट्री के अंदर आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बिल्ट किए गए हैं। तो उन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अपनी पैकेजिंग लेबलिंग के अंदर या क्वालिटी के अंदर क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन डबल अडॉप्शन, डबल अडॉप्शन के अंदर क्या होगा कि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी थोड़ा सा क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे। देन इस कंडीशन के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी कहलाएगी, डबल अडॉप्शन की स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। देन प्रोडक्ट इनोवेशन, ये आपका प्रोडक्ट अडॉप्शन या कस्टमाइजेशन का प्योर फॉर्म होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो हर एक मार्केट के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर अलग अलग बनाए जाते हैं। आप हर एक कस्टमर या फिर हर एक कंट्री मार्केट एरिया के लिए अलग अलग प्रोडक्ट क्या करते हो, बनाते हो। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, व्हेन अ कंपनी मार्केटिंग अ प्रोडक्ट विद सिमिलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ईच एंड एवरी मार्केट ऑफ दैट कंट्री, कि हर एक फॉरेन मार्केट के लिए जब कोई कंपनी एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करती है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि कंपनी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज को यूज कर रही है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, की एक कंपनी को स्टैंडर्डाइजेशन की स्ट्रेटजीज किन कंडीशंस में फॉलो करनी पड़ती है, किन कंडीशन के अंदर एक कंपनी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिटेबल होगी। सो जब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको कम करनी हो, लार्ज लेवल पर एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो क्या होगा, आपको स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी यूज करोगे। जब एक कंपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करना चाह रही है उस कंडीशन के अंदर भी आपका ये बेनिफिशियल होगा। इस तरीके की स्ट्रेटजीज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत ही कम होती है या फिर आपके कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या किया जाती है, ये स्ट्रेटजी यूज़ किए जाते हैं। हम हर एक कंट्री के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करके अलग प्रोडक्ट नहीं बना सकते। देन यूनिवर्सल प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही टाइप से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर्स, वॉचेस, कंप्यूटर्स, आपके एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। इनके लिए जो हर कंट्री है वो इनका सेम यूज़ करती है। या फिर जब आपके प्रोडक्ट की जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड अच्छी है, फॉर एग्जांपल जापान के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या जर्मनी के जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, फ्रांस के जो फैशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर गुडविल मिली हुई है। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए अलग से स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। देन जब आपका प्रोडक्ट किसी स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया के नाम से फेमस हो उस कंडीशन के अंदर आपको प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस के परफ्यूम या फिर दार्जिलिंग की टी, इन कंडीशन के अंदर जो आपकी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से अगर कोई प्रोडक्ट आपका फेमस है उस कंडीशन के अंदर आप स्टैंडर्डाइजेशन की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक।
three. What is adoption and customization strategy and standardization strategy? And I hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section. And don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.